थैंक्स। अच्छा एक बात बताओ, मेरे साथ भाग तो रहे हो पर जानना नहीं चाहते मैं जा का रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? तो सुनो, मैं ना एक दिन जीसी लाइब्रेरी में काम करती थी, तब मेरी कॉलीग ज्योति, जो बाय द वे अब मिडिल एज्ड है, हाँ, उसने मुझसे कहा, अंजलि तुम पूरी जिंदगी मेरी तरह स्पिनस्टर ना रह जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तो बस मैं भाग आई और अब मैं जिंदगी का मजा लेने वाली हूँ, इससे पहले कि मौका हाथ से ना छूट जाए। पूरी तरह से ड्रामा क्वीन हो। अब लाइफ में थोड़ा ड्रामा तो होना चाहिए ना, और मैं तो एडवेंचर की तलाश में हूँ। कहाँ मिलता है ये एडवेंचर, कितने में मिलता है फन? इस वक्त मुझे भी खरीदना है। बता दूँ? बताओ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये सारे न्यूज़पेपर्स और बुक्स चर्च में डोनेट करूँगी, और उसके बाद मैं एक होटल में रूम बुक करूँगी अकेले। अकेले? फिर मैं फ्रेशन अप होंगी और एक स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक ऑर्डर करूँगी। वाह, फिर? फिर मैं टीवी चालू करूँगी और खूब सारी डीवीडीज देखूँगी। ब्लू फिल्म्स? जी, कैसी बातें करते हो? नहीं, ये इतनी पुरानी फिल्म है, तुम इसे एडवेंचर कहती हो? ऑफ कोर्स, जस्ट थिंक अबाउट इट, इमेजिन मैं अकेले सिर्फ अपने साथ कितना टाइम पास कर सकती हूँ। कहाँ फंस गया तू करण बजाज, कहाँ फंस गया? अच्छा बाय द वे, तुमने बताया नहीं तुम भाग क्यों रहे थे? वो एक शादी कैंसिल हो गई थी, तो लड़की वालों को दूल्हे पे थोड़ा गुस्सा आ गया। ऑब्वियसली दूल्हे ने शादी जो कैंसिल की, कैंसिल लड़की ने की थी। क्यों? क्योंकि लड़का बारटेंडर था, वेटर था, 10वीं फेल था, और लड़की वालों की सोसाइटी के लायक नहीं था। अच्छा वैसे तुम्हें ये पूरी स्टोरी कैसे पता है? क्योंकि उस शादी का दूल्हा मैं था। क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी शादी थी? मतलब कि तुम अपनी शादी के मंडप से भागे हो? How exciting! Runaway bridegroom, हाँ? वाह वाह! असली एडवेंचर तो इसे कहते हैं। शादी वाले दिन दुल्हन भाग जाए और उसकी फैमिली ऊपर से तुम्हारे ऊपर अंडे और टमाटर भी फेंके और वो जूता भी खाए, तुम इसे एडवेंचर कहती हो? अंडे और टमाटर, तभी मैं कहूँ तब से ये पास क्यों आ रही है? ठीक है, आगे कोई 5-star होटल मिले तो रोक देना, नहा लूंगा। 5-star होटल? एक्सक्यूज मी, आगे एक नदी है, आप वहीं नहा लीजिएगा। तुम्हारे सामने? नेवर। प्लीज, तुम्हें नहाता हुआ देखने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। लाइक दिस? वेरी फनी। देखो, अगर लिफ्ट चाहिए तो नहाना तो पड़ेगा। ओके। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। To watch more, log on to www.erosnow.com.